हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय स्वामीनारायण। टुडे वी विल लर्न अबाउट यूनिट नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 5। यूनिट 4 का ये हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसका नाम है ईमेल सिक्योरिटी, यानी कि 4.4 ईमेल सिक्योरिटी के बारे में आज हम जानेंगे। उसके बाद हमारा जो यूनिट नंबर 4 था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और उसके नेक्स्ट डे हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले जानते हैं कि ईमेल सिक्योरिटी क्या है। ओके, सो ईमेल का सबसे पहले आपको तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ईमेल का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, सो ये किस तरह से वर्क करता है। ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एंड रिगार्डेड नेटवर्क सर्विस। Currently, message contact are not secure, may be inspected either in transmit or by supply by previously user on distance destination system. आपको पता है कि हम ईमेल का हमारी जो लाइफ में है, डेली लाइफ में हम ईमेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी मैसेज सेंड करना हो, कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना हो, वन पर्सन दूसरे अदर पर्सन को एक साथ, कई बार हम दो दो पर्सन को एक ही मैसेज जब मुकलना होता है, भेजना होता है, तब हम क्या करते हैं, ईमेल का यूज़ करते हैं। तो जो हम ईमेल का यूज़ करते हैं उसकी प्राइवेसी कैसे हम अटैकर से बचा के रखते हैं, हमारे मेल को कैसे सेफ रखते हैं, उसकी जो सिक्योरिटी है उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। सो ईमेल सिक्योरिटी एनहांसमेंट, तो ईमेल सिक्योरिटी एनहांसमेंट क्या आएगा, तो कॉन्फिडेंटली यानी कि प्रोटेक्शन फॉर डिस्क्लोजर। ओके, यानी कि जो हैकर जो होते हैं उससे वो हमें बचा के रखता है। ऑथेंटिकेशन ऑफ सेंडर ऑफ मैसेज, मैसेज इंटीग्रिटी यानी कि प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉडिफिकेशन। नॉन रिपीटेशन ऑफ ओरिजिन, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेनियल बाय सेंडर। यानी कि ईमेल जब हम दूसरे पर्सन को भेजते हैं तो किस किस तरह से हमें जो प्रोटेक्शन है वो हमें ईमेल जो सिक्योरिटी सॉरी ईमेल की जो सेटिंग है उसमें से हम कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईमेल सिक्योरिटी का अर्थ है डिफरेंट टाइप के ईमेल अटैक से बचाने के लिए एक ये साइबर सिक्योरिटी है जो हम सभी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ईमेल, ईमेल अकाउंट, ईमेल कम्युनिकेट और प्राइवेट ईमेल डेटा को सिक्योर रखा जाता है। इसमें क्या क्या हम सेफ रख सकते हैं, तो ये जो 4 चीज है इससे हम हमारा जो ईमेल है, ईमेल का अकाउंट है, ईमेल कम्युनिकेट है, प्राइवेट हमारा जो ईमेल है वो सबको हम सिक्योर रखते हैं। ईमेल के जो अटैक है उसके जो ईमेल हमारा जो होता है, जो हैकर लोग होते हैं वो हमारा ईमेल जब हैक करना चाहते हैं तो उसमें कौन से टाइप के जो वायरसेस होते हैं वो सेंड करते हैं, तो उसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वायरस है वो हमारे ईमेल के ईमेल में सेंड करते हैं। और हम जब उसको हम उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो वायरसेस भेजे गए हमारे सिस्टम के अंदर वो इंस्टॉल हो जाते हैं, और उसके ऊपर क्लिक करते ही हमारा जो प्राइवेट डेटा है वो हैकर लोग हैं वो थेफ्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं वो कौन से वायरसेस है जो हैकर हमारे ईमेल में सेंड करते हैं, तो वो है फिशिंग अटैक, स्पाइवेयर अटैक, एडवेयर अटैक एंड स्पैम अटैक। ये जो 4 अटैक है वो ईमेल के बहुत ही इम्पोर्टेंस अटैक है, जिसके थ्रू जो हैकर जो है ये वायरस को हमारे ईमेल के थ्रू क्या करते हैं, अटैचमेंट और लिंक भेजते हैं, और उसके पर जब हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ईमेल आईडी है, पर्सनल डेटा है, हमारा जो अकाउंट है वो सब जो हैकर लोग होते हैं वो चोरी कर लेते हैं, यानी कि प्राइवेट डेटा हमारा चुरा लेते हैं। सो द नेक्स्ट देखते हैं कि द बेनिफिट्स ऑफ ईमेल, तो उसमें क्या आता है, तो रिट्रीवली सिंपल टू यूज, लर्नर्स आर फेमिलियर विथ इट, नॉट डिफिकल्ट टू टीच देम, फ्री,
कीप इन टच विथ अदर टीचर्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि मेलिंग लिस्ट, डिस्कशन ग्रुप्स, कम्युनिकेट विथ लर्नर्स आउटसाइड क्लास, यानी कि ईमेल के बेनिफिट क्या है। आपने देखा होगा कि जब भी आप ईमेल का अकाउंट आप क्रिएट करते हो, रजिस्टर करवाते, तो सिंपल से उसके स्टेप है जो हम स्टेप बाय स्टेप हम रीड करके, हम वो स्टेप को फॉलो करके, हम रीड करके जो डिटेल हमारी जो भेजते हैं अंदर से एंटर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा हमारा जो ईमेल जो का अकाउंट है वो क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं कि हम किस तरह से हम जो हमारा ईमेल अकाउंट जो है, यानी कि जो हम मैसेज सेंड कर रहे हैं सेंडर को, तो वो हम किस तरफ से हम उसकी सिक्योरिटी को सेफ रख सकते हैं। तो उसके अंदर दो टाइप है, SSL एंड TLS। तो सबसे पहले हम SSL का जानते हैं, तो जिसका फुल फॉर्म है सिक्योर स्पॉट लेयर। ये एक बहुत ही ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है जो हमें क्या करती है कि इंटरनेट ब्राउजर और वेबसाइट के बीच एक जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करती है जो इंटरनेट का हम यूज करते हैं, यानी कि एक ये प्रोटोकॉल है इंटरनेट और वेब ब्राउजर के बीच में, जो ये हमें क्या करती है सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। तो उसका जब हम यूज करते हैं ईमेल हम, तो ये SSL जो प्रोटोकॉल है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा TLS, यानी कि ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी। तो ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी क्या है? सो ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी इज द सक्सेसर प्रोटोकॉल टू SSL। TLS इज एन इम्प्रूव वर्जन ऑफ SSL, यानी कि जो SSL का जो इम्प्रूव वर्जन है वो TLS है। इट्स वर्क इन मच द सेम वे एज द SSL, यूजिंग इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि जिस तरह से SSL वर्क करता है उसी तरह से सेम वर्क TLS करता है, पर उसमें डिफरेंस क्या है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि TLS सेशन एंड TLS कनेक्शन, यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया हुआ है कि एन एसोसिएशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। यानी कि जब हम TLS सेशन का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्लाइंट एंड सर्वर दोनों के बीच में हम एसोसिएशन होता है। ठीक है, क्रिएटेड बाय द हैंडशेक प्रोटोकॉल। एक किस तरह का प्रोटोकॉल है, तो हैंडशेक प्रोटोकॉल है। डिफाइन अ सेट ऑफ क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी परमानेंट, यानी कि ये हमारी क्रिप्टोग्राफी की जो हमने आगे जितनी भी टेक्निक सीखी है उसमें हमें परमानेंट TLS का यूज कर सकते हैं, यानी कि क्रिप्टोग्राफी सिक्योरिटी के लिए पैरामीटर्स है। ठीक है, यूज टू अवॉइड द एक्सपेंसिव नेविगेशन ऑफ न्यू सिक्योरिटी पैरामीटर फॉर ईच कनेक्शन। अब देखते हैं TLS कनेक्शन। तो अ ट्रांसफर लेयर मॉडल डेफिनेशन दैट प्रोवाइड्स अ सुटेबल टाइप ऑफ सर्विस, पीयर टू पीयर रिलेशनशिप ट्रांसमिशन, एवरी कनेक्शन इज एसोसिएटेड विथ वन सेशन। यानी कि TLS किस तरह से वर्क करता है, तो TLS ईमेल एप्लीकेशन का यूज किया जाता है, यानी कि ईमेल का जब भी हम यूज करते हैं एप्लीकेशन का, तो TLS का यूज किया जाता है जिसके थ्रू ईमेल को इंक्रिप्ट कर मीन्स के ज़्यादातर हम सिक्योर बना सकते हैं। यहाँ यानी कि इसका जब हम यूज करते हैं तो जब जो भी हमारा मैसेज होता है, जो हम जब भी हम उसका सेंड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं क्रिप्टोग्राफिक की टेक्निक का जो हम यूज़ करते हैं, यानी कि जो हमारा जो ओरिजिनल मैसेज है उसकी जगह पे हम इंक्रिप्ट किया हुआ मैसेज जब हम सेंडर को भेजते हैं, तो TLS जो है वो ज़्यादा हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सो स्पैम एंड मैलवेयर कोड, व्हाट इज स्पैम? तो इट इज अ irrelevant or unassociated message sent over the internet typically to a large number of user for the purpose of advertising, phishing, spreading malware, etc. यानी कि स्पैम क्या है? तो स्पैम एक ऐसा मैसेज है जो इंटरनेट थ्रू हैकर के थ्रू अलग अलग टाइप से हमारे जो PC है, हमारे जो पर्सनल गैजेट्स है, उनके अंदर भेजा जाता है। What is malicious code? Malicious code is the term used to describe any code, any part of a software system or script that is intended to cause undesired effects, security,
breaches or damage to a system. Malicious जो कोड है वो एक टाइप की ऑटो एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन है जो अपने आप हमारे सिस्टम के अंदर क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है और डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो वायरस के जो फॉर्म होते हैं वो हमारे अंदर भेजते हैं और क्या करते हैं, हैकर लोग हैं वो हमारे सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, कंप्यूटर कोड या वेब स्क्रिप्ट जो हमारे सिस्टम को क्या करते हैं कमज़ोर बना हमारे सिस्टम को क्या करते हैं टोटली डैमेज करते हैं. और उसके थ्रू अलग अलग टाइप के जो वायरस होते हैं जैसे कि बैकडोर, सिक्योरिटी ब्रेचेस, इंफॉर्मेशन एंड हमारे जो डेटा होता है वो क्या करते हैं थेप्ट करने की वो कोशिश करते हैं, उसे हम मॉलवियस कोड कहते हैं, सॉरी मेलिशियस कोड कहते हैं. Malicious code is an application security threat that cannot be efficiently controlled by conversion antivirus software alone. So next हम email encryption यानी कि हमने आगे देखा कि दो टाइप से हम हमारे email को जो है वो सेफली हम sender तक हम पहुंचा सकते हैं. तो वो encryption process क्या है, तो email encryption involves encrypting or discussing the contact of email message in order to protect potentially sensitive information from being read by any other than intended recipients. इसके स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है. तो सबसे पहले जब आप मैसेज को आउटगोइंग करते हो, इंक्रिप्ट करते हैं, तो उसका स्टेप क्या है, तो ऑन द टूल मेनू क्लिक ट्रस्ट सेंटर एंड देन क्लिक ईमेल सिक्योरिटी. यानी कि सिक्योरिटी के अंदर जाके हमारा जो प्राइवेट जो मैसेज है उसे इंक्रिप्ट करना है और बाद में हम उस मैसेज को सेंडर तक पहुंचाने हैं, और इसके स्टेप है. सेकंड नंबर का क्या है, अंडर इंक्रिप्टेड ईमेल सिलेक्ट द इंक्रिप्ट कॉन्टैक्ट एंड अटैचमेंट फॉर आउटगोइंग मैसेज चेक बॉक्स. To check additional settings such as choosing a specified certificate to use, click setting and click authorize. ये उसके थ्री स्टेप है जो हमारे ईमेल को हम इंक्रिप्ट करके आउटगोइंग यानी कि हम रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं. सो यहाँ पे हमारा जो यूनिट नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट डे हम यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे.